बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज अगेन मैथ का लेसन स्टार्ट होने लगा है आपका। ये उस्मान भाई शाह को डायरी वक्त में मिला था, इसलिए हम बोर्ड पे करने लगे हैं ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाए। और अब हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनमें ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं हमारे पास उनको भी इन्वॉल्व किया जाए किसी न किसी तरह से। ओके, आज आपका देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ, आज आपका पैटर्न कौन सा है, क्या लिखा गया है? लेट्स काउंट एंड जंप। ओके, तो एक पैटर्न आपके लिए बना दिया गया है, ठीक है। उसमें देखिए ज़रा जो ग्रीन कलर में लेफ्ट साइड पे पैटर्न बना है बेटा, उसमें हमने लिखा है, एक साइड पे लिखा गया है फॉरवर्ड 10, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिखा गया है बैक 5। कंसीडर आपने किन फिगर्स को करना है जो सेंटर में लिखे गए, सेंटर में लिखे गए जो रो है, जो फिगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इन पैटर्न को सॉल्व करना है। और आप लोग खुद काउंट करोगे, अपना माइंड यूज़ करें, देखें कैसे इसको आपने सॉल्व करना है। फॉरवर्ड 10 जाना है तो उस फिगर से फॉरवर्ड 10 आप क्या लिखोगे, और अगर बैक जाना है तो फिर बैक 5 में आपका कौन सा फिगर आएगा। अंडरस्टैंड? यस। ओके, गुड। आए बेटा, आप बताइए मुझे, 8 से पहले क्या होते हैं? 8 से पहले 7। चार पाँच। 7 से पहले? 7 से पहले 6 से पहले 5। इसको हम क्या बोलते हैं ये जो आपसे पूछ रहे हैं? 50। नो। ये देखिए आपके भाई आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में उसको साथ साथ बता रहे हैं। बैक काउंटिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बैक काउंटिंग। क्या पाँच, बैक काउंटिंग बोलते हैं। ओके जी, उस्मामा इंशाल्लाह नहीं रहा, कौन आएगा सबसे पहले? उस्मामा आ जाए। क्या लिखा है उस्मामा ने? 90। उस्मामा 90 लिखा है आपने, क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड 10 लिखा गया है जी, इसलिए उस्मामा ने 80 के साथ फॉरवर्ड 10 किया तो वो हमारे पास हो गया 90। ओके, अब बैक 5 जाएंगे तो क्या आएगा फिर? 45। व्हाट? नो। कौन आएगा? इशाला आ जाए। उस्मामा आप अपनी सीट पे आ जाए बेटा। क्या लिखे? 75। कैसे? क्योंकि ऊपर बैक 5 है। बैक 5 करना है क्योंकि हमने 80 को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करोगे बेटा? आ जाए वापस। अब माफिया बताएंगी, माफिया बेटा देखें ज़रा कौन सा फिगर आएगा? 55 कह रही है माफिया, ठीक कह रही है? यस। आ जाए इधर। ये आपका पैटर्न चेंज था आपकी बुक में जो था, मैंने इसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन अपनी तरफ से की है ताकि जितना ज़्यादा आपका हम मेमोरी आपकी यूज़ कर सकें उसको हम कर लें। इस तरह से आपको ज़्यादा सोचने का, बेहतर अंदाज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है। आपकी बुक्स के ऊपर जो पैटर्न दिए गए होते हैं बेटा वो बहुत ही सिंपल से होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं इसलिए। ओके, आप नेक्स्ट क्या लिखोगे? क्या लिखा आपने? 30। ओके,
आए आज बेटा आप अपनी सीट पे आ जाएं। आयत बताएंगे, फोर से पहले क्या होता है? फोर से पहले जी थ्री। ओके, एक दफ़ा ज़रा हमें बैक काउंटिंग तो सुना दें आप। गुड गर्ल, क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड, ऐसे ही महमूल भी किया करेंगे, ठीक है? अभी हम न्यू स्टूडेंट हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा शाय हैं। ओके जी, उस मामा जी बेटा आपने कहा। अच्छा मुझे ये बताएं, इशाल बताएंगी, इशाल फोर क्या करना है यहाँ पे? हमने 40 से बैक फाइव जाना है या 20 से बैक फाइव जाना है? 20 से बैक फाइव जाना है। 40 से बैक फाइव जाना है क्योंकि सीक्वेंस हमारा, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सेंटर वाले जो फिगर्स हैं सीक्वेंस आपका वहीं से चलना है। तो क्या होगा उस मामा, सोचें 40 से बैक फाइव जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे? नो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ इशाल बताएंगे। 35 उसमें 35 होता है, हालांकि बैक काउंटिंग आप मुझे सुनाते भी हो, इसके बावजूद काम करते हुए कंफ्यूज हो जाते हो आप। ओके दैट्स इट, आ जाए अपनी सीट पे। अब ज़रा दूसरा पैटर्न देखिए जो रेड कलर में बनाया गया है, छोटे बच्चों को वो समझ आ रही है उस मामा? इशाल है निरहा को आए उसने सबसे पहले यस का है। उस मामा इशाल निरहा को समझ आ रही है? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? जस्ट आपके फिगर्स हमने आप 200 कर दिए हैं, बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं है, सारा वही काम करना है आपने जो पहले किया था। रवीत आ जाए सबसे पहले ताकि इनको थोड़ा सा पता चल जाए छोटे बच्चों को कैसे करना है इन्हें। क्या हो गया? आ गए अपनी सीट पे। आप बताएं, अब आपको समझ आई? yes. क्या किया है हमने? इरहा बताएंगे, रमेश ने क्या किया है बेटा? देखिए वहाँ पे फॉरवर्ड फाइव लिखा गया है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आपने आगे की तरफ चलना है, ठीक है? मीन्स उसमें आपने फाइव मज़ीद ऐड करने हैं फिगर में। तो पहले भी मैंने बताया था कि सीक्वेंस आपका जो होगा वो सेंटर वाली रो से आपने उनको कैरी करना है। तो क्योंकि 40 से आपने कैरी करना था फॉरवर्ड 5, 40 में 5 आपने जस्ट प्लस करने थे, ऐड करने थे, तो क्या बना था आपका? 45 बनना था ना, तो वो मैं इसने लिख दिया। इसी तरह से आपने 40 से ही बैक 5 जाना है, तो क्या आना था यहाँ पे? 235। अब आप बताओ आगे अगर हम 230 से उसको कैरी करेंगे फॉरवर्ड 5 क्या आएगा? सोचो सोचो शाबाश, 30 ऑनवर्ड 5। गुड गर्ल, दे दीजिए इसको, समझ आ गई है उनको। 235, ओके गुड। अब मुझसे आ जाए उस पामा इशाल को समझ आई इस वाले पैटर्न को? क्यों मूसा मैम? क्योंकि 230 से हमने 5 बैग जाना था, मतलब 5 हमने कट करके बाकी जो बचे थे हमने वो सब लिखने, तो 225 आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट रो में अब क्या लिखोगे? 220 से ऑनवर्ड। से ऑनवर्ड 5 करना था आपने। बेटा इतना
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था आपके लिए। तो ये चीज़ बहुत ईजी है, उस मामा ही शाल इधर पहली दफ़ा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए था ये पैटर्न। ऑल दो मैंने थोड़ी सी अल्ट्रेशन की है, बट इतना टफ तो नहीं किया कि आप इतना टाइम लगाओ। मुझे लगा 10 आगे करने, 10 वो मैंने पैटर्न में काफ़ी सारा अपनी तरफ से इसीलिए चेंज किया है ताकि माइंड यूज़ करो आप हर स्टेप पे। मैं आप ये बताएंगे बेटा 222 बैक 5 क्या आएगा फिगर आपका यहाँ पे 222 बैक 5। गुड गर्ल, ईशाल को दे दें बोर्ड मार्कर। जी ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे? जी 210 में फॉरवर्ड 5 है, अगेन 210 फॉरवर्ड 5। उस पामा बताएं क्या आएगा? 22 नो फॉरवर्ड 5 है बेटा, अब तो ऊपर सॉल्व हो चुका है पैटर्न, अब तो मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए आपको। नहीं उस मामा ही बताएंगे, सोचें उस मामा क्या आएगा, जस्ट उसमें 5 ऐड करने हैं आपने। फॉरवर्ड 5 मीन्स आपने 5 स्टेप आगे जाने हैं, तो क्या आएगा 210 बैठ जाए किरहा बताएंगे 215। ओके आ जाएं आप। उस मामा को दें जरा, उस मामा आ जाएं। अब आप क्या करोगे पैटर्न की तरफ देखो जरा, क्या करोगे आप, कहाँ से हमने चलने, कौन से फिगर को कैरी करोगे इसमें से? 210 गुड गुड, 210 को कैरी करेंगे तो बैक 5 जाना है आपने, क्या आएगा? बेटा दूसरी साइड पे, जी यहाँ पे बैक 5 जा रहे हैं ना, ये तो फॉरवर्ड का आपका आइकन है। नो 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 रॉन्ग, अब इरहा जी उस मामा गौर करें जरा इसकी तरफ क्या कर रही है। टू 05 सेंटर में 0 भी आएगा जी, अब हुआ है 205, पहले तो 25 हो गया था वो। ओके आप बैठें, आप 202 फॉरवर्ड 5 जी, फिर कंफ्यूज हो गए। थोड़ा सा मैंने उसको पजल टाइप इसीलिए किया था ताकि देखूं कि आप लोग कितना माइंड यूज करते हो अपना। जी ईशाल को दे दें, नहीं नहीं ईशाल को दें अब। 205 गुड गर्ल, ओके आप समझ आया? यस। सारे बच्चों को समझ आ गई? यस। स्पेशली उस मामा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मैथ में, पता नहीं क्या मसला है, हालांकि इतना इजी पैटर्न है उस मामा आपका, ये कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें इसमें। No. पूछने वाली कोई बात थी नहीं वैसे इसमें, लेकिन इतना टाइम लगने वाली भी बात नहीं थी जितना आपने लगाया है। बेटा फुल अटेंटिव होकर काम किया करें जो भी करते हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जितना मैं उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करती हूँ पैटर्न को, तो जस्ट इसलिए करती हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल चीज़ों को भी कैरी करना ईजी हो जाएगा फिर जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे। ओके बेटा अब आज का लेसन ख़त्म करते हैं हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।